हाँ जी किसान भाइयों, क्या हाल चाल? आशा करते हैं सब आप ठीक होंगे। तो बेसिकली जो ये वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, कई बार जो है मशीन में, कुट्टी मशीन जो रहती है उसमें ना छिलकन आती है, छोई आती है, तो उस टाइम पे हम क्या सेटिंग करनी है, तो वो चीज़ जो अपना छोई छिलकन वो सब ना आए, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। हाँ जी, तो इसमें ये देखिए, यहाँ पर जो हेड का, इसमें अगर आप पराल में चलाना चाहते हो, प्याल में चलाना चाहते हो, तो आपको जो मुंह है वो इस तरीके से रखना पड़ेगा। इतना दिखा सकते हो, इसमें करीब करीब 1.5 से 1.75 इंच आपको इसमें इसका जो मुंह है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राल एक तरह से जो है वो घास फूस ही होता है, ठीक है? उसको आपका जो इसमें मुंह, इसको बड़ा रखना पड़ेगा। एक जो है आप उसमें जो स्प्रिंग है ऊपर, ठीक है, वो लाइट कर सकते हैं, ऊपर का जो स्प्रिंग है वो लाइट कर सकते हैं। ये प्याल की बात होती है, ठीक है? अगर हम बात करें ज्वार बाजरा की कुट्टी की, कि ज्वार बाजरा की कुट्टी में अगर हमने मशीन चलानी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका मुंह है ना, उसके मुंह को करीब करीब 1 इंची का जो गैप है वो आपका ये वाला जो गैप है, ये वाला, इसको करीब करीब आपको 1 इंची का गैप रखना पड़ेगा, ठीक है? और इस गैप को आपको 1 इंच रख के और ज्वार बाजरा में आप इसको चला सकते हो। बहुत ही बढ़िया कुट्टी देगी मशीन, और गंडसे जो हैं वो जबाड़ी के साथ हैं, वो आपको मिला के चलना पड़ेगा, जबाड़ी के ऊपर माल चढ़वा के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ही आपकी इसमें कटिंग जो है वो आपकी कटिंग बढ़िया आएगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी कटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, और आपको सबको ये जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक आपको जो ऊपर की जो यहाँ पर ये दाब है, इसमें यही जो हैवी स्प्रिंग चलेगा, ज्वार बाजरा कुट्टी पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुंह आपका करीब 1 इंच का रहेगा कैप जो है उसमें, और दूसरा जो स्प्रिंग है ये फुल ऊपर से इसको हम दाब दे सकते हैं, फिर इसको कहीं से भी कोई जगह नहीं मिलेगी, ना कोई इसमें से फांस आएंगे, ना छिलकन, ना छोई, ठीक है? अब वो जो साइडों में लंबे लंबे फांस आ जाते हैं, वो सबसे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो, पहले जो मैंने आपको बताया था कि प्याल में इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, और ज्वार बाजरा में आप इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो गंड से ज़रूर आप मिला के मशीन को चलाएं, और धार जो है वो टाइम टू टाइम आपको लगानी पड़ेगी मशीन में। धार कई बार हमारे किसान भाई नहीं लगाते, फिर वो ये बात कहते हैं जी इसमें गुच्छे आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुच्छे आ रहे हैं। वो गुच्छे इसलिए आ जाते हैं, वो माल जो है वो कटिंग नहीं कर पाता, और गुच्छे आने के बाद फिर वो अंदर वो माल फंस जाता है। तो वो जो है ना, कटिंग को चीज़ अगर नहीं हो पाती, कटिंग उसकी आपको करनी ही पड़ेगी। जो धार है वो प्रॉपर धार लगाएं, धार लगाने के बाद गंडसा मिलाएं जबाड़ी के साथ, और मिलाने से फिर आप जो है मशीन को चलाएं, फिर आप देखना कि मशीन की कैसी, मतलब जो है कि एक तो कटिंग अच्छी आएगी, ठीक है? और जो आपको कंप्लेंट लगातार इन चीज़ों की आती रहती है कि इसमें ये आ रहा है, इसमें जो है कि वो लंबे लंबे फांस आते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो किसान भाइयों, आपने जो वीडियो देखी कुट्टी मशीन की, जो हमारे किसान भाइयों को कंप्लेंट आती है छोई की, छिलपन की, प्याल में कितना आपको गैप रखना है, और ज्वार बाजरा में कितना गैप रखना है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।